हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मेरा नाम मोहन सिंह रावत है और मैं यहाँ इटली के मिलान शहर में हूँ। सबको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़बरदस्त फैल गया है, तो सभी भारतवासियों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग जो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, जो भारत सरकार के ऑर्डर के बावजूद भी जितने भी लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि इटली के अंदर, इटली वर्ल्ड के अंदर सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है हेल्थ के अंदर। यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी यहाँ की सरकार ने हाथ ऊपर कर दिए कि अब इस चीज़ से हम कैसे क्या करें। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इटली के अंदर रोज के 600, 700, 500, 550 इतने लोग रोज मर रहे हैं। रोज इतना छोटा सा देश है एक, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि अगर छोटे देश के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर है कि मैं आज सुबह यहाँ 7 बजे ड्यूटी पर आया हूँ, 7 बजे से लेकर अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, यहाँ पर मेरे को 13 घंटे से ऊपर हो गए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। मेरी आप लोगों सबसे, जितने भी भारतवासी हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ 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 अपने अपने घरों के अंदर रहिए और बाहर बिना काम बाहर मत निकलिए। ये डिजास्टर सब जगह है, हर देशों में है। इंडिया में अभी चालू नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में। अभी तो 500 या 600 के अंदर पेशेंट है अभी। अगर इसी तरह से आप लोग रोड पर घूमते रहे और बिना काम क्रिकेट खेलना, गार्डन में वॉकिंग करना, फलाना ढिकड़ा जो भी है, प्लीज़ प्रधानमंत्री की बात मानिए। आप लोग घरों में रहिए, बिना इमरजेंसी के बाहर मत निकलिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में से भाई बहन माता पिता कोई भी, आप समझ जाइए, कोरोना का कोई इलाज नहीं। आप सबको पता है कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं अभी तक, सिर्फ मौत, मौत और मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप सब लोगों से, भारतीयों से, मैं एक इंडियन होने के नाते मुझे यहाँ का जो डिजास्टर है वो देखकर हम लोगों को खाना नहीं खा सकते। हम इतनी हालत खराब है यहाँ पर, लोग एक दूसरे को देख देख कर यहाँ पर रो रहे हैं, इतने इमोशनल हो गए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कब मर जाए आदमी। इतना बड़ा डिजास्टर हो चुका है यहां पर, इतना छोटा देश है फिर भी यहां पे ये मास्क वगैरह और ये जो भी प्रोटेक्शन के जो थिंग्स है वो उसकी कमी है। फिर आप भारत देखो, 20 इटली और एक भारत बराबर है, तो आप देख लो आप लोगों को क्या करना है, भारत को बचाना या सबको नष्ट करना। बस आप सरकार के विरुद्ध मत जाइए, और जो भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आप लोगों को। आप क्या कह रहे हो सरकार को कि कोरोना वायरस तो एक झूठ फैला रखे हैं, दैट वी कि हम लोग धरना कर रहे हैं इसलिए रोकने के लिए कोरोना वायरस का, क्या आप कैसी सोच है आप लोगों की? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पता है आप लोग कितने लोगों को मुसीबत में डालोगे आप लोग। प्लीज ये धरना सब बंद करिए, और इस समय ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ के इटली के जो हालात है वो देखकर मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत के अंदर सुनामी आने वाला, सुनामी, अगर ये सुनामी आप लोग रोक सकते हो, ये सुनामी आप लोग रोक सकते हो अगर आप घरों से बाहर नहीं निकले, आप अंदर रहिए प्लीज़। आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, हम लोग आ नहीं सकते हैं, और आने से पहले मेरा एक हेल्थ डिपार्टमेंट से होकर मेरा एक सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है कि लोगों की जान बचाना। मुझे भगवान ने जो प्रोफेशन दिया है आज उसका इंतजाम, उसका टाइम आया है कि मैं, मुझे मेरी सेवा देने का, लोगों को बचाने का मेरा काम। तो जितने भी भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी हो सके उतनी ड्यूटी करिए, शिफ्ट करिए। मैं यहाँ पर 14-14 घंटे 15-15 घंटे आई एम वर्किंग कंटिन्यूली हियर, और बाकी सरकार की बात मानिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसकी बात मानिए प्लीज़। आप लोग सब घरों में रहिए,
इस डिजास्टर से आप बच सकते हो। छोटा सा एग्जांपल चीन के अंदर है, चीन के द्वारा ही फैला और वहां पर उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। बस सिर्फ आप प्रशासन की बात मानिए, घरों के अंदर रहिए, बिना इमरजेंसी बाहर मत निकलिए। आप सब लोगों को नमस्कार।